हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सोरिन से होती है। सभी क्लासमेट उसका बर्थडे मना रहे थे और उसे केक खाने को बोल रहे थे, पर सोरिन नहीं खाती क्योंकि वो और मोटी नहीं होना चाहती थी। सोरिन का फ्रेंड मिंजी बोलता है, एक बाइट की ही तो बात है ना, खा लो। सभी फ्रेंड फोर्स करने लगते हैं। सोरिन बोलती है, चलो एक ही बाइट है, पर एक बाइट के चक्कर में सारा केक खा जाती है। बाद में बोलती है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज थी। वो देखती है, बस 150 ही है। फ्रेंड बताती है, नहीं, एक पीस में 150 कैलोरीज हैं। वो पानी पी रही थी। फ्रेंड बोलता है, तुम्हारी केक वाली वीडियो तो वायरल हो गई है। सोरिन बोलती है, आज मैं डिनर नहीं करूंगी क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 45 केजी होना चाहिए। मिंजी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो। सोरिन सोचने लग जाती है, जब वो हाई स्कूल में थी उसके सभी फ्रेंड्स मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे और खूबसूरत दिखने के लिए, पर वो सिर्फ सभी को देख रही थी। एक फ्रेंड बोलती है, मैं मोटी हो गई हूँ, क्यों ना हम दोनों डाइट करें। सोरिन बोलती है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी फ्रेंड बोलती है, तुम तो कूल हो, और बाद में उसकी मसल्स के बारे में बोलने लग जाती है। बॉयज को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। उस टाइम से ही सोरिन को रिग्रेट होने लगा था क्योंकि वो मोटी थी, जबकि सोरिन किसी की बातों को सुना नहीं करती थी। नेक्स्ट डे क्लास में सीट चेंज होने वाली थी। एक लड़का पूछता है, 13 नंबर किसका है। सोरिन बोलती है, मेरा है। वो लड़का सोरिन का मजाक उड़ाने लग जाता है क्योंकि उसे बैठने के लिए कम जगह मिलने वाली थी। ये सब सोरिन को भी पसंद नहीं था, फिर भी वो कुछ नहीं कह पाती। मिंजी बोलता है, तो तुम इन सब की वजह से पतली होना चाहती हो, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत क्यूट लगती हो। अगर तुम वेट लूज करना चाहती हो तो इसलिए करो क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस है, ना कि और कोई क्या कहेगा ये सोचकर। और अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे एक्सप्रेस करना सीखो, अपनी फीलिंग्स दबाओ मत। इवन की मिंजी सोरिन के साथ वाली सीट एक्सचेंज कर आ जाता है और ड्रिंक देता है, खाओ पियो और सब भूल जाओ। तभी सीहुन और मिन बोलते हैं, मिंजी को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हारे साथ, वैसे इतनी ड्रिंक काफी होगी, डाइटिंग में लग जाओ। ये सब सुनकर मिंजी को गुस्सा आ रहा था, पर इस बार सोरिन ही उन्हें सीधा जवाब दे देती है, तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है, मैं जैसी भी दिखूं तुम्हें इससे क्या मतलब, और आज के बाद मुझे पीगी कभी मत बोलना वरना मुंह तोड़ दूंगी। वो दोनों तो डर के मारे चले ही जाते हैं। मिंजी बोलता है, ये हुई ना बात, जब बर्थडे पार्टी चल रही थी तब एक लड़का सोरिन को देखकर क्यूट बोलता है। मिंजी सोरिन को ही देखे जा रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर अपनी फीलिंग बता नहीं पाता। वो सोचता है सोरिन भी कुछ समझ नहीं रही है। तभी सियूल बोलती है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। मिंजी पूछता है, ये क्यों किया है। सियूल बोलती है, आज सोरिन की डेट है। ये सुनकर मिंजी तो शॉक में आ जाता है, ये सब कैसे हुआ। एक वीक पहले जब सभी गेम खेल रहे थे तभी सियूल बोलती है, देखो ये हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। जियोन भी फोटो देखता है, ये तो अच्छा लग रहा है। सोरिन बोलती है, पर मुझे नहीं जाना। पर ये दोनों सोरिन को मनाने लगते हैं, प्लीज जाओ ना। सोरिन भी हाँ बोल देती है। मिंजी बोलता है, ऐसा भी होता है क्या, पर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। सोरिन बोलती है, पर क्यों। मिंजी बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम उसके साथ जाओ। सोरिन बोलती है, भला ऐसा मैं क्यों करूं। तभी सिन आ जाता है तो सोरिन उसके साथ चली जाती है। इन दोनों को देखकर मिंजी तो बहुत ज्यादा जलबुन जाता है। मिंजी बास्केटबॉल खेल रहा था, उसी दौरान वो सोरिन को मैसेज कर पूछता है, कहाँ हो तुम, चलो कुछ खाने चलते हैं। पर सिन रिप्लाई करता है, वो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो मेरे साथ है। इवन की सिन ने तो फोटोज भी अपलोड की थी। वो देखकर फ्रेंड बोलता है, ये तो प्ले बॉय है, मासूम लड़कियों को डेट करता है। सोरिन को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और सिन की वीडियोस बना रही थी। वो बोलता है, फोटोज तो सभी अच्छी आई हैं, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। वो सोरिन को डाइट करने से मना कर देता है, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो और किस करने वाला था, पर सोरिन उसे रोक देती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सिन अपने असली रंग में आ जाता है, तुम जैसी पिक को डेट करना भी कौन चाहता है, देखो मुझे, मैं कितना गुड लुकिंग हूँ, अगर मुझे डेट करना है तो प्ले भी करना होगा। सोरिन को गुस्सा आ रहा था, वो मिन की बातें याद करती है और सोरिन को बोलती है, इस मोटी लड़की से मार खानी है क्या। ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो घर जा रही थी। मिंजी उसका वेट कर रहा था, तुम ठीक हो ना। सोरिन बोलती है, आज के बाद वो अपना थोपरा लेकर मेरे सामने नहीं आएगा, मैं उसे अच्छा मजा चखा के आई हूँ। मिंजी उसके लिए डिनर लाया था।
तुम्हें अच्छा लगाना और अपनी फीलिंग के बारे में बताता है। मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ और नहीं चाहता वो किसी और मैन से मिले। क्या करूँ, मैं उसे बोल दूँ मैं कितना पसंद करता हूँ उसे। ये कहकर वो सोरेन के क्लोज आ रहा था। सोरेन को लगता है कहीं किसी ना कर दे, पर वो सोरेन के लिप्स क्लीन करता है। सोरेन बोलती है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, वैसे मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी? शायद मैं स्पाइसी फूड खा रही हूँ इसीलिए, और क्या रीजन हो सकता है। नेक्स्ट स्कूल में सोरेन और मिंजे बातें कर रहे थे। मिंजे उसका झूठा फूड खाने लगता है, हम दोनों एक ही है ना। तभी क्लास प्रेसिडेंट योन आके बोलती है, हम कपल लग रहे हैं ना। सोरेन को बुरा लगता है बट बोलती है हाँ। ये सुनकर मिंजे तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। क्लास में योन मिंजे के साथ हमेशा चिपकी रहती थी। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर सोरेन को तो बुरा लग रहा होता है। वो गेम कैफे में जाती है और वहाँ भी मिंजे के बारे में ही सोच रही थी। योन पूछता है, क्या सोच रही हो? सोरेन बताती है मिंजे के बारे में, वो कितने टाइम से मुझे इग्नोर कर रहा है। सोरेन का लव रिकॉर्ड बहुत ही बुरा था, वो स्कूल में जिसे भी लाइक करती है वो उसे रिजेक्ट कर देता था, इवन कि कोई उसे गर्ल समझता भी नहीं था। इवन कि उसकी मोटे होने की वजह से उसके दोस्त भी नहीं बनते थे। सोरेन सोचती कहीं हमारी फ्रेंडशिप भी ना बिगड़ जाए, क्योंकि मिंजे सोरेन का चाइल्डहुड फ्रेंड था। पर फिर भी वो मिंजे को बोलती है, तुम योन के साथ अच्छे लग रहे थे पर मुझे पसंद नहीं, तुम उसके साथ रहो। जब से सोरेन ने योन को बोला है तुम कपल जैसे लगते हो, उसी दिन से मिंजे अपनी फीलिंग के बारे में बताने वाला था और ये बात सियोल और योन भी नोटिस कर लेते हैं। मिंजे पूछता है क्यों पसंद नहीं है। सोरेन बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अगर तुम लाइक नहीं करते तो मना भी कर सकते हो, पर मिंजे तो उसे किसी कर लेता है। ये बात मैं पहले तुम्हें बताना चाहता था। स्कूल में गेम्स चल रहे थे, गर्ल्स बातें कर रही थी, मिंजे की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है पर पता नहीं कौन होगी। उनको लग रहा था वो क्लास प्रेसिडेंट योनी होगी। मिंजे सोरेन से बोलता है, हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट क्यों है? सोरेन उसे इशारा करती है, तुम्हारे फेस पर कुछ है, पर मिंजे गलत समझकर उसे किस कर देता है। दो लड़कों ने भी ये देख लिया था। सोरेन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। वॉशरूम में योन सोरेन को बोलती है, तुम में है क्या ऐसा जो मिंजे तुम्हें लाइक करता है? पहले अपने आप को शीशे में देख लो। सोरेन का मैच होता है जिसे वो जीत जाती है और योन को बोलती है, मेरे मिंजे से दूर रहो क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मिंजे खुश हो जाता है, क्या कमाल की लड़की है। ये तीनों जा रहे थे, योन एक लड़की से बात कर रहा था जो सियोल को पसंद नहीं आता। सियोल अब तो और भी ज्यादा मेकअप करने लग जाती है प्रिटी दिखने के लिए। वो सोचती है सभी कपल बन चुके हैं, इवन कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो भी। योन आके बोलता है कैंपियन पर चलते हैं। सियोल बोलती है नहीं, और बाद में सभी कैंपियन पर थे। सियोल योन के साथ मस्ती करने लग जाती है, तुम तो छोटे हो। योन बोलता है तुम्हारी आँख को क्या हुआ है। सियोल गुस्सा कर चली जाती है। डिनर पर भी वो बोलती है किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सियोल अपसेट थी। योन आता है, तुम्हें बुरा लगाना जबकि तुम हमेशा से मेरी हाइट का मजाक बनाती हो, तुम्हारे ऊपर आया तो बुरा लगा। सियोल को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, योन से माफी मांगती है। योन उसे बोलता है आई लाइक यू, वैसे तुम जेलस हो रही थी ना मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर। सियोल बोलती है नहीं तो। ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। योन पहले बहुत ज्यादा खाती थी, दो लड़के आकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। कितना खाओगी, तुम्हारे नाम का मतलब प्रिंसेस है पर लगती तो नहीं हो। वो वहाँ से जा रही थी तभी मिंजे उसे रोक कर बोलता है, तुम्हें इन सब की बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। योन प्रिटी थी इसलिए सभी उसकी हेल्प करते थे, पर सोरेन को कोई पूछता तक नहीं था, इसलिए योन को लगा प्रिटी होना ही काफी है। आज स्कूल का लास्ट डे था क्योंकि अब से वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे। योन बोलता है अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। सोरेन बोलती है पर मिंजे को ये सब पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। मिंजे बोलता है जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। योन और सियोल बोलते हैं ये क्या चल रहा है। देखकर योन सोचती है सभी तो मुझे पसंद करते हैं, पर मिंजे ने पता नहीं इस मोटी में क्या देख लिया। योन की फ्रेंड बोलती है लंच नहीं करना क्या। योन मना करती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी एक लड़का आता है और बोलता है पहले हम एक ही क्लास में थे। वो लड़का योन की पहले की फोटोज दिखाता है, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो फोटोज फेसबुक पर अपलोड करने लगता है। सभी को पता होना चाहिए ना।
सोरिन बोलती है तुम्हें कोई भी राइट नहीं है योन की फोटोज अपलोड करने का। योन और सोल भी बोलते कब तक ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करोगे। सोरिन बोलती है तुम्हें किसी के फेस से जज नहीं करना चाहिए। योन अपसेट होकर जा रही थी तभी मिंजे से टकरा जाती है क्योंकि वो मिंजे के लिए ही सुंदर बनना चाहती थी। सभी को स्लिम और ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद है और तुम्हें वो पिक जैसी लड़की सोरिन कैसे पसंद आ गई। मिंजे बोलता है क्योंकि वो दिल की अच्छी है, ये रीजन काफी है प्यार करने के लिए। सोरिन योन के पास आती है। योन बोलती है तुम ऐसी होकर भी हैप्पी कैसे रह सकती हो जबकि तुम प्रिटी भी नहीं हो। सोरिन बोलती है हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, तुम जैसी हो एकदम ठीक हो। और योन को उसका फेवरेट बर्गर देती है। नेक्स्ट सीन में सोरिन मिंजे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर रही थी। सियोल और योन भी एक साथ खुश थे और योन ने भी डिसाइड कर लिया था अब वो जैसी है वैसी ही रहेगी, किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगी। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।